अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड का एक बहुत ही क्रीमी सा बिस्किटी सा डिज़र्ट। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर लेना है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी 1.5 कप हमने दूध है फुल क्रीम, इसको हमने पका लेना है, उबाला आ जाएगा। उसके बाद इसमें हमने 3 से 4 चम्मच चीनी ऐड कर देनी है। चीनी अच्छी तरह इसमें हल करने के बाद 2 चम्मच हम स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड थोड़े से दूध में हल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें डालते जाएंगे और चमचे से हिलाते जाएंगे। तो इसको हमने कंटिन्यूसली हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है, और जब ये इस तरह का गाढ़ा हो जाएगा तो हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है। एक हमने बाउल लेना है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा दूध नीचे फैला देना है। फिर हमने एक लेयर बिस्किट की लगानी है, आप कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं जी। बिस्किट्स की हमने एक लेयर मुकम्मल कर ली है, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा और दूध ऐसे डालना है, थोड़े से नरम पड़ जाएंगे। फिर हमने जो कस्टर्ड बनाया था उसकी लेयर लगाएंगे अच्छी तगड़ी सी। उसकी लेयर लगाने के बाद फिर हमने एक बिस्किट की लेयर लगा देनी है, फिर उसके ऊपर हमने ऐसे ही दूध थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है। इसके बाद हम एक लेयर टेट्रा पैक क्रीम की लगाएंगे, अच्छी तरह इस लेयर को भी लगा देना। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा सा कस्टर्ड बचा हुआ था, इसकी हमने अब ये डेकोरेशन करना था। गार्निश के लिए हमने क्रस्ट चॉकलेट और बिस्किट का यूज़ किया है, आप बादाम भी डाल सकते हैं। तो इसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करना है, उसके बाद चमची लेके बहुत मज़े से खाएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।